दोस्तों टैब्स की डिमांड बढ़ गई है और आपको रीजन पता है क्यों? बड़े स्क्रीन सभी लोगों को चाहिए फॉर व्हाट एवर रीजन, और सभी ब्रांड्स लॉन्च भी कर रहे हैं उनके। और दोस्तों ये है मी पैड 5 प्रो। जी हाँ, कुछ 3 लॉन्च हुए हैं मी पैड 5 सीरीज में। ये वाईफाई वाला वेरियंट है, इसमें एक आता है जिसमें 5G भी आपको मिलता है, उसके बारे में नहीं बात करेंगे आज, इसके बारे में बात करने वाले हैं। और इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूँ दोस्तों, इसका अनबॉक्सिंग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि बहुत ही जल्दी ये इंडिया में लॉन्च होने वाला है। एंड सेकेंड थिंग, प्राइसिंग जो चाइना में आई हुई है, यू गेट अ होल लॉट ऑफ टैबलेट। या लेट्स ओपन द बॉक्स। ब्लैक बॉक्स है, पतला बॉक्स है, तो शायद अंदर ऑलराइट राइट अप फ्रंट टैब मिलता है आपको। बिल्ड अच्छी लग रही है। अरे और कुछ भी नहीं है। ओके, यू हैव डॉक्यूमेंटेशन एंड ओके, आई थिंक दिस इज 3.5mm जैक नहीं है, तो उन्होंने ये जो अडाप्टर है वो दे दिया है 3.5 टू USB टाइप सी। वैसे दोस्तों आपको बता दूं, अगर आपको चार्जर चाहिए, ये टैब जो है उसके साथ एज एक्सेसरी आपको ये लेना पड़ता है। 67 वॉट को सपोर्ट करता है ये टैब, सो यू विल हैव टू बाय इट सेपरेटली। और ये एक्सेसरी भी आती है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में भी मैं बताने वाला हूँ। बट राइट नाउ लेट्स ओपन। ग्रे ब्लैक छोड़ के थोड़ा अलग टैबलेट दिखने मिल रहा है। So this is nice. This is actually like a phone, but super sized phone. ये देखिए, and this is a glass back, by the way. Look at this. जो अभी तक tabs हमने review किए या हमारे पास आए, उनसे definitely बहुत अलग है। और हाँ दोस्तों, ऐसे tablets में थोड़े बहुत design, थोड़े अलग designs चाहिए। वही grey, drab, black, no. Okay. इन हैंड, एक हाथ में बड़े हाथ है तो आप पकड़ पाओगे दोस्तों, बट आई विल सजेस्ट डोंट डू इट। Oh, you have to stretch your hand. Look at this. Oh my God, नहीं, ऐसे ही पकड़ना होगा आपको। एंड वेट के बारे में बात करूं, आई रियली डोंट नो, मैं बहुत गलत हो जाता हूँ टैबलेट्स का वेट बताते हुए, बट 525, 550, आई रियली डोंट नो, बट 525 ग्राम्स, लेट्स सी, 500 ग्राम्स, ओके, 500 टू 525, जी हाँ, आई एम गोइंग टू गो रॉन्ग कम्प्लीटली। मुझे पिछले टाइम बहुत ही कुछ 50 या 100 ग्राम से डिफरेंस था। लेट्स सी, 500 टू 520, ओके। Oh my goodness! पिछले टाइम टोटली गलत था, तो इस टाइम दोस्तों टोटली सही हो गया। 520 ग्राम्स का है ये। I have to pat my back, यार, come on। इस पे आजकल मीम्स निकल रहे हैं, मैं जो वेट करता हूं ना, किसी ने डाला था 1770 वेइंग मशीन आने से पहले लोग जैसे करते थे वैसे मैं करता हूँ, ऐसी कुछ मीम आई हुई थी। सो एनीवेज, सो आई वाज राइट अबाउट द वेट। पोर्ट्स एंड बटन्स की तरफ देख लेते हैं क्विकली दोस्तों। वाओ, दोस बिग स्पीकर ग्रिल्स दो आते हैं नीचे की तरफ, और डुअल स्पीकर्स हैं हर एक ग्रिल के अंदर, तो मतलब नीचे चार स्पीकर्स हैं। यूएसबी टाइप सी माइक्रोफोन, राइट हैंड साइड में फिर से एक माइक्रोफोन आता है, एंड देन स्टाइलस लगाने के लिए, चिपकाने के लिए एक जगह आती है, अगेन अ माइक्रोफोन, एंड देन यू हैव अ वॉल्यूम रॉकर ऑन द टॉप। ऊपर की तरफ दोस्तों और दो ग्रिल्स आते हैं जिसमें दो दो स्पीकर्स हैं, इसका मतलब टोटल 8 स्पीकर्स हैं इसमें, एंड यू ऑल्सो हैव अ माइक्रोफोन। ओह नो, दिस इज अ पावर ऑन ऑफ बटन, एंड इट डबल्स अप एज फिंगरप्रिंट सेंसर, नाइस। एंड राइट हैंड साइड में कुछ नहीं है दोस्तों, ये स्मार्ट कनेक्टर है, जब आप कीबोर्ड वगैरह लगाना है आपको, उसके लिए 3 कनेक्टर्स दिए हुए हैं। सो या, लॉट्स ऑफ स्टफ ऑल अराउंड। दोस्तों अगर आप सोच रहे हो कि मैं इसे गिराने वाला हूँ, नहीं दोस्तों, दिस इज अ टैबलेट, एंड फोन के जितने स्ट्रॉन्ग नहीं होते, दे आर अ लिटिल फ्रेजाइल, so I am not going to drop it, I know it will break। चलिए बाहर तो देख लिया, देखते हैं अब अंदर, let's start this tablet। वैसे तब तक जब तक सेटअप वगैरह हो जाता है, अच्छा लगता है हमारा वीडियो तो लाइक जरूर कीजिएगा, and you know what, सब्सक्राइब कर दीजिए, अच्छे वीडियोस लाते हैं आपके लिए। This is a big enough screen दोस्तों, मतलब 12.5 इंच की नहीं है, 11 इंच की है, which is a IPS LCD display। Yes, AMOLED होता तो अच्छा होता। व्यूइंग एंगल्स ठीक ठाक है। सी, जनरली टैबलेट जो होते हैं दोस्तों, यू टेक इट फॉर कंज्यूमिंग मल्टीमीडिया, बहुत सारी चीज़ें आप कंज्यूम करते हो इसके ऊपर, इसीलिए AMOLED होना चाहिए, बट इसके ऊपर IPS LCD डिस्प्ले है। लेकिन दोस्तों ये 2.5K डिस्प्ले है, सो दैट इज गुड। HDR10+ का सपोर्ट है, इसका मतलब 1 बिलियन से भी ज़्यादा कलर्स दिखते हैं इसके अंदर, सो कलर्स के मामले में मैं कहूँगा इट इज़ क्वाइट गुड। लेकिन हाँ, जो ब्लैक्स आपको टोटली ब्लैक्स मिलते हैं AMOLED में, वो आपको IPS LCD डिस्प्ले में नहीं मिलेंगे। Oh, I forgot to tell you, 120 Hz fast refresh rate भी है, nice that। तो डिस्प्ले ठीक ठाक है, लेकिन अगर मैं स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात करूं दोस्तों, टॉप ऑफ द लाइन Qualcomm Snapdragon 870 प्रोसेसर पे आता है दोस्तों, which gives you really amazing performance।
इसमें दोस्तों दो वेरिएंट्स आते हैं, 6128 एंड 6256। 8GB वेरिएंट में शायद मेरे हिसाब से नहीं है, बट दिस इज हमारे पास जो है वो है 6GB 128GB वाला वेरिएंट। एक बात अच्छी है दोस्तों, इसमें स्टोरेज टाइप आपको UFS 3.1 मिलता है एंड LPDDR5 रैम, और उसकी वजह से जो परफॉर्मेंस इसके अंदर से आपको मिलता है दैट इज रियली गुड। हमने जेंशिंग इंपैक्ट खेला, COD भी खेला हाईएस्ट सेटिंग पे, आई मीन वी रियली एंजॉयड प्लेइंग, दैट्स फॉर श्योर। दोस्तों अगर बैटरी के बारे में बात करूं तो 8600 मिली एम्पियर आवर की बैटरी है, जो आराम से आपको दिन भर जानी चाहिए, मतलब इवन टू मॉडरेट टू हैवी यूसेज आप करोगे तो दिन भर आपको जाएगी। एंड यस 67 वॉट फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट है, तो पौने दो घंटे में, बड़ी बैटरी है फिर भी आराम से डेढ़ दो घंटे में चार्ज हो जाएगी। चलिए बात करते हैं OS के बारे में दोस्तों। इसमें MIUI 12.5 आता है, विच इज बेस्ड ऑन Android 11, जुलाई का सिक्योरिटी पैच है। सो या और दोस्तों याद रखिए, ये जो वेरिएंट है OS थोड़ा डिफरेंट है बिकॉज इट इज अ चाइनीज वेरिएंट। दोस्तों बाकी की चीजों के बारे में तो आपको पता है, लेकिन दो तीन चीजें इसमें ऐसी आती है जो टैबलेट के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। फॉर एग्जाम्पल दिस PC लॉन्चर, या ये जो है इसकी वजह से इसेंशियली यू कैन यूज इट एज अ लैपटॉप मोड, जैसे सैमसंग के टैबलेट्स में डेक्स मोड आता है वैसे ही कुछ है। तो अगर आपने ये जो एक्सेसरी है इसके साथ इसे इस्तेमाल किया तो यू कैन यूज इट लिटरली एज अ कॉम्पैक्ट लैपटॉप, और आपको जो फील वगैरह है वो एक विंडोज लैपटॉप के जैसे मिलेगा। सो दैट इज अ नाइस लिटिल ऐप, बट याद रखिए ये आपको इंस्टॉल करना होगा, बाय डिफॉल्ट नहीं आता है, अभी भी बीटा में है, बट जितना हमने इस्तेमाल किया आई लाइक इट, आई मीन इट गिव्स यू दैट विंडोज फील। लेट्स टॉक अबाउट कैमरास दोस्तों। पीछे आपको डुअल कैमरा सेटअप मिलता है, 13 megapixel प्लस 5 megapixel, आगे आपको 8 megapixel का कैमरा सेंसर मिलता है। और देखिए आप टैबलेट से जाके बाहर ज्यादा फोटोज वगैरह प्रोफेशनली ऐसे बहुत अच्छे अच्छे फोटोज तो आपको निकालने होते, बट फिर भी इसकी जो क्वालिटी है अच्छी है। इसमें जो ऊपर वाला वेरिएंट आता है दोस्तों 5G वेरिएंट जो है, उसमें 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर मिलता है, तो एक टैबलेट में 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर दैट इज गुड। इधर ही मैं आपको प्राइस भी बता दूं दोस्तों, ये जो वेरिएंट है दोस्तों ये आपको 2499 yuan 2500 yuan का मिलता है। इसका मतलब अगर ये इंडिया में लॉन्च होता है देयर आर स्ट्रांग चांसेस दिस विल लॉन्च अंडर 30,000, 27,000-29,000 के करीब लॉन्च हो जाए, और उस प्राइस में अगर लॉन्च होता है वाओ अ बिग थम्स अप। एंड द अदर वन, इसका ऊपर वाला जो वेरिएंट है 5G, जिसमें वाईफाई के साथ आपको कनेक्टिविटी, मोबाइल कनेक्टिविटी भी मिलती है, वो जो है वो कुछ 3499 मतलब 3500 yuan का है, मतलब वो 40,000 के करीब मिलेगा। सो दोनों के जो प्राइजेस हैं दोस्तों आई विल से दे आर वैल्यू फॉर मनी। लेकिन एक चीज जरूर है दोस्तों, और मैंने ये पहले किसी टैबलेट रिव्यू में भी बताया था, ये जो सेल्फी कैमरा है जनरली ऑन द लॉन्गर साइड हॉरिजॉन्टल जो बेजल होता है उसके अंदर होना चाहिए, क्योंकि जब आप ऐसे पकड़ते हो तो ये जो आगे का कैमरा है दैट गेट्स हिडन, इट शुड हैव बीन हियर। ये पोजीशनिंग रॉन्ग है सेल्फी की ऑन अ टैबलेट। चलिए दोस्तों बात करते हैं बाकी के फीचर्स की। सबसे पहले सेंसर्स के बारे में बात करता हूं। जी हाँ, सभी सेंसर्स आते हैं, फिंगरप्रिंट सेंसर आपको फिजिकल मिलता है, पावर ऑन ऑफ बटन में, फेस अनलॉक भी है, एंड बोथ ऑफ इट वर्क्स वेरी वेल। कनेक्टिविटी के बारे में बात करूं दोस्तों, वाईफाई 6 का सपोर्ट आता है विच इज गुड, ब्लूटूथ 5.2 है इसके अंदर, दैट इज ऑल्सो वेरी नाइस। ऐसे दोस्तों वाइडवाइन 11 का सपोर्ट है, जनरली चाइनीज टैबलेट्स या चाइनीज डिवाइसेज में आपको वाइडवाइन 11 नहीं मिलता है, बट दिस इज वाइडवाइन 11 सर्टिफाइड, इसलिए अच्छी तरह से देखिए नेटफ्लिक्स वगैरह, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। मल्टीमीडिया के बारे में बात करूं दोस्तों, ऑलरेडी डिस्प्ले के बारे में बता दिया, कलर्स वगैरह अच्छे दिखते हैं, मैंने कहा आपको कि एमोलेड होता तो अच्छा होता, व्यूइंग एंगल जो है इतने अच्छे नहीं है, और स्पीकर्स एक्चुअली दे आर क्वाइट गुड बट दे कुड हैव बीन मच मोर बेटर। क्यों? क्योंकि दोस्तों ये जो पोजिशनिंग है स्पीकर्स की वो 8 में से 4 ही स्पीकर्स चलते हैं, बिकॉज अगर आप होल्ड कर रहे हो और ऐसे मूवी वगैरह देख रहे हो तो आपके हाथ से 2 साइड के जो स्पीकर ग्रिल्स है वो बंद हो जाते हैं, जिसकी वजह से आवाज कम आता है, लेकिन अगर आपने सब खुला रख दिया चारों साइड से तो आवाज अच्छी आती है, बड़ी भी आती है। सो मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस इज क्वाइट गुड। तो दोस्तों यही है मी पैड 5 प्रो। जी हाँ, आई रियली होप कि ये इंडिया में बहुत जल्दी लॉन्च हो जाए। याद रखिए शाओमी ने पहले भी इंडिया में 3 या 4 या 5 साल पहले लॉन्च किया था उनका मी पैड, अब ये भी आना चाहिए। एक्चुअली 3 साल के बाद वो फिर से लॉन्च करें, इवन इन चाइना, फॉरगेट इंडिया, चाइना में भी उन्होंने लॉन्च नहीं किया हुआ था। सो या आई एम रियली होपिंग दैट दिस कम्स टू इंडिया वेरी सून, एस्पेशली एट गुड प्राइस। अगर आता है आई एम श्योर दोस्तों दैट अ लॉट ऑफ पीपल विल बाय दिस। वैसे दोस्तों मी पैड 5 प्रो के बारे में आपको अगर कोई भी सवाल है तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछना मत भूलिए। इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो तक कीप ट्रैकिंग एंड stay safe.